जो भी टेक्निकल चीज़ें हमने कवर की हैं आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बड़े इजीली तरीके से बड़े ही इस वेब स्टोरी कोर्स से कुछ ना कुछ सीखे, लर्न करें और अर्न करें भाई, पैसे कमाए। और ये हमारी वेबसाइट है भाई, हमने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक इसका बैनर बनाया है। आप भी अपनी वेबसाइट को अच्छा आउटलुक दे सकते हैं, आप अच्छे से इसको डिजाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमने वीडियो आने जा रही है जो कि आपकी है कीवर्ड रिसर्च की वेब स्टोरी के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो कि है फ्री वेब स्टोरी कोर्स। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी लास्ट वीडियोस हमने कवर की है वो आपको समझ में आई होंगी, आपको एक एक पैरामीटर, एक एक स्मॉल स्मॉल जो भी टेक्निकल चीज़ें हमने कवर की हैं आप लोगों को समझ में आ रही हैं। बड़े ईजिली तरीके से बड़े ही सिंपल वे में हमने कोई ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी वाला डिस्कशन किया ही नहीं है अभी पूरी वेब स्टोरी में। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर फटाफट वेब स्टोरी बनाओ, वेब स्टोरी बनाओ, वेब स्टोरी कीवर्ड रिसर्च लेके आओ। तो भाई जो ये कोर्स है ना, ये कोर्स हमने बनाया है बिगिनर्स के लिए और उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको ट्रैफिक नहीं आ रहा है वेब स्टोरीज के ऊपर। तो हमने एक एक छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल जो एस्पेक्ट होता है, जो चीज़ें होती हैं वो हमने कवर की है। और उन लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, जो कह रहे हैं कि सर फटाफट आप ना कीवर्ड रिसर्च बताओ वेब स्टोरी के लिए, कैसे कीवर्ड निकालना है, कैसे वेब स्टोरी डालनी है, सीधा उसके ऊपर आ जाए। भाई देखो मैं समझ सकता हूँ आप एक्साइटेड हैं, मैं आपकी एक्साइटमेंट की भी देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि हर पर्सन मतलब कि हर बंदा इस वेब स्टोरी कोर्स से कुछ ना कुछ सीखे, लर्न करे और अर्न करे भाई, पैसे कमाए। देखो हो सकता है कि आप में से 100 में से 20 लोगों को पहले से ही सारी चीज़ें कंफर्म है, पता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम फटाफट कवर कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं, या कुछ चीज़ें हमने फाइन ट्यूनिंग के साथ नहीं करी है। तो वो सारी चीज़ें भाई इसलिए नहीं करी, मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट समझता हूँ और एक्साइटमेंट समझते हुए ही मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ हम कवर करें। और अभी तो हम वैसे भी हमें किनारा दिखना शुरू हो गया है, हम बहुत नज़दीक लग चुके हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर आप शुरू में इतना क्यों बोलते हैं, सीधा टू द पॉइंट आओ, सीधा टू द पॉइंट बताओ। भाई समझ सकता हूँ बात, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर आपसे कनेक्ट कैसे बनेगा, आपको मैं अंडरस्टैंड कैसे करूँगा, आप मुझे अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पर्सन्स के लिए हो सकता है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इम्पोर्टेंट ना हो, बट कुछ पर्सन्स के लिए ये पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉगिंग और वेब स्टोरी अगर आपको करनी है तो कंसिस्टेंसी रहनी बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी रहने के लिए आपके अंदर वो मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको हमेशा पीछे की तरफ धकेलता है। और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ तक आ गए हो तो आप पीछे की तरफ मुड़ के देखो। तो भाई अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और एक नेक्स्ट माइलस्टोन आज हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट माइलस्टोन हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं, आज हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ऑन पेज एसईओ भी कर दिया, और अभी हमने मैक्सिमम 30-31 आर्टिकल डाल दिए हैं। हम सारा चेक करेंगे स्क्रीन पे जाके, और इतने आर्टिकल डालने के बाद अभी वो मुकाम आ गया है, वो लेवल आ गया है, वो उस पोजिशन पे हम आ गए हैं कि हम एडसेंस के लिए अप्लाई करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडसेंस नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसे पर्सन जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें एडसेंस नहीं मिल रहा, रिजेक्शन आ रही है, बार बार रिजेक्शन आ रही है। तो वो सारी चीज़ें भाई इसमें हम कवर करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और साथ के साथ हमारा जो यूएसए एक्सप्रेस ब्लॉग है, जो रेफरेंस साइट हमने बनाई है लाइव आप लोगों के सामने, उसके ऊपर हम एडसेंस अप्लाई करेंगे आज। और एडसेंस अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि हमें एडसेंस कितने दिन में मिलता है, हमें रिजेक्शन आती है नहीं आती, अगर रिजेक्शन आती भी है तो वो भी हमारा पार्ट है भाई। अगर रिजेक्शन आएगी तो उससे भी हमें सीखने को मिलेगा कि किस रीजन से आई है, वो भी हम लर्न करेंगे। अगर रिजेक्शन नहीं आती है तो वो हमारी अचीवमेंट होगी कि हमने लाइव पे आके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने एडसेंस अप्रूवल ले लिया। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग आप परेशान भी हो गए हो, बट मैं चाहता हूं कि भाई जो नए बिगिनर्स हमें कनेक्ट कर रहे हैं, अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं हेल्पफुल बन पाऊं, तो भाई आप वो आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक सपोर्ट बन पाए। क्योंकि सब कहते हैं सर आप क्या यहाँ पे होस्टिंग प्लान बेचने बैठ गए हो, तो भाई देखो मैं टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए, मैं टाइम स्पेयर कर रहा हूँ, इतना बड़ा कोर्स बनाना। देखो मैं वेब स्टोरीज कर रहा था, मुझे अर्निंग हो रही थी, तो बट वो उस कोर्स को उस टाइम की वैल्यू करने के लिए आप भी तो थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी होस्टिंगर बाय करना चाह रहे हैं, होस्टिंग बाय करना चाह रहे हैं, तो होस्टिंगर के थ्रू आप ले सकते हैं। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि मैं खुद होस्टिंगर की होस्टिंग यूज करता हूँ, उसके 3-4 बेनिफिट है जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि एक तो आपको टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, मनी बैक गारंटी है 1 मंथ का, जिससे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपकी मनी बैक हो जाएगी विद इन 30 डेज, प्लस रियल टाइम आप इनसे
कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं चैट के थ्रू भी, आप ईमेल के थ्रू भी। आपको शुरू शुरू में बहुत इश्यूज आते हैं तो वो सारे इश्यूज ये फिक्स करके देते हैं, आपकी साइट का बैकअप रखते हैं। कभी भी आपकी साइट क्रैश होती है किसी भी रीजन से तो आप बैकअप रिस्टोर करवा सकते हैं, लास्ट डे का बैकअप आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो आपको कैसे होस्टिंग बाय करना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपने सीधा जाना है भाई, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाला हुआ है, तो hostinger.in पे आप लॉग इन करेंगे और आगे सतबीर डालेंगे तो होस्टिंगर की साइट पे जाएंगे। होस्टिंगर की साइट पे जाने के बाद सीधा आप यूआरएल डालेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूआरएल है भाई, आपने वही यूआरएल यूज करना है और उसके थ्रू ही बाय करना है। यहाँ जाने के बाद सीधा आप क्या करेंगे, आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। अकाउंट रजिस्टर करना सबको आता है, आपका ईमेल आईडी, अगर आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ आ रहे हैं तो आप सीधा जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी जीमेल आईडी के साथ आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं या अपना साइनअप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका साइनअप हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, 149 में मिनिमम प्लान मिलता है भाई, यहाँ पे सारे प्लान्स है। 149 क्या ही अमाउंट है भाई, बिल्कुल स्मॉल सी अमाउंट है। इससे आप अपना होस्टिंगर बाय कर सकते हैं, होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं SSL फ्री मिलता है, फ्री ईमेल मिलती है। जैसे जैसे आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है आप कभी भी किसी भी टाइम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, बिजनेस प्लान पे जा सकते हैं और आपका ट्रैफिक काफी अच्छे लेवल पे जा सकता है जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर वेबसाइट की, तो आप इमीडिएटली क्लाउड स्टार्टअप प्लान पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको वन क्लिक में मिलते हैं होस्टिंगर के थ्रू। उम्मीद कर रहा हूँ आप होस्टिंगर से अगर बाय करेंगे तो आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी और आप जो मेरा रिकमेंडेशन है उसको अप्रिशिएट करेंगे। साथ के साथ जैसे ही आप मेरे लिंक के थ्रू बाय करते हैं तो आपको मेरा कूपन कोड भी अगर आप डालना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। कूपन कोड भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसके थ्रू अगर बाय करते हैं तो एक रेफरल अमाउंट जो मुझे भी मिलता है, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए एक मेजर फैक्टर होता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको होस्टिंग कैसे बाय करनी है वो समझ में आ गई है। तो भाई सीधा उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे मेजर पॉइंट के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर, जो आज वीडियो का हमारा टाइटल है कि हमें आज करना है एडसेंस अप्लाई। और ये हमारी वेबसाइट है भाई, हमने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक इसका बैनर बनाया है। आप भी अपनी वेबसाइट को अच्छा आउटलुक दे सकते हैं, आप अच्छे से इसको डिजाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमने इनिशियली कुछ डिजाइन किया, धीरे धीरे इसको हमने थोड़ा इंप्रूव किया, तो इंप्रूव के बाद आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा बैनर लगाया। क्रिसमस आ रहा है, यूएस को टारगेट कर रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमने कुछ डिजाइन किया है। यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट के डिजाइन रखे हुए हैं और यहाँ पे हमारी कैटेगरी और ब्लॉक्स दिख रहे हैं भाई। तो अभी सीधा मैं आपको पैनल में लेके चलता हूँ और पैनल में आपको दिखा देता हूँ कि मिनिमम आपके पास भाई, मैं जैसे ही रिकमेंड करता हूँ कि 30 से 30 या 35 के बीच में आर्टिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं कि हमारे पास 33 के अराउंड आर्टिकल लाइव इसके ऊपर है अभी हमारे होस्टिंग के, सॉरी हमारी वेबसाइट के ऊपर। और वहां से अब हमारे लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है गूगल का कि मिनिमम आर्टिकल्स आपके पास, मिनिमम डेटा आपकी साइट पे होना चाहिए, तो वो डेटा हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, जो डिफॉल्ट पेजेस हैं तो भाई डिफॉल्ट पेजेस आपको लेटेस्ट जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, आप बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि आपके जो आप कहते हैं ना वॉयलेशन आ रहा है, वॉयलेशन का एक ये मेजर रीजन है कि आपके डिफॉल्ट पेजेस में आपका जो करंट रेगुलराइजेशन की पॉलिसीज आ रही हैं एडसेंस की, गूगल की, वो आप कवर नहीं करते हैं। तो आपने ये जरूर चेक करना है कि आपने वो पॉलिसीज कवर की हैं सारी, तो आपने प्राइवेसी पॉलिसी अच्छे से बनानी है इसके अंदर। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस का पेज भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियरली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन का पेज भी हमारा बन के रेडी हो चुका है और हमने उसके साथ साथ एडसेंस डिस्क्लेमर भी दिया कि हम इसके ऊपर एड पुश करने जा रहे हैं, तो हमने एडसेंस डिस्क्लेमर भी लगाया है। तो वही जो तीन आपके मेजर इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ये सारे पेजेस आपकी साइट पे होने चाहिए आप एडसेंस अप्लाई करने से पहले। दूसरा, आपका आउटलुक अच्छा होना चाहिए, मिनिमम आपके आर्टिकल्स होने चाहिए, आर्टिकल्स प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर लिखे होने चाहिए। कोई भी एक आर्टिकल हम ओपन करके चेक कर सकते हैं, आप भी साइट का रेफरेंस देख सकते हैं। तो आज ये लेटेस्ट आर्टिकल डला हुआ है, इसको ये ओपन कर लेते हैं, तो काफी अच्छी इमेजेस होनी चाहिए। आपकी इमेजेस के साथ साथ आपका जो पूरे आर्टिकल का स्ट्रक्चर है वो बढ़िया मैनर में होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और इजिली रीडेबल होना चाहिए भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं FAQ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ के साथ आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए साइट का, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये आती हैं। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप स्किप कर देते हो, प्लस जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई हैं आपकी सभी कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स होने चाहिए। यहाँ पे इस साइट के साथ एक मुझे जो अभी प्रॉब्लम लग रही है, मैं जो भी है ओपनली आपके साथ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कोई भी चीज हिडन नहीं रख रहा हूँ। हमारी एक दो जो कैटेगरीज है इसके अंदर ब्लैंक पड़ी हुई है, जो भी हिडन मोड में रखी हुई है हमने, 1% जो
मुझे डाउट लग रहा है उसकी वजह से हमारे को उसके ऊपर रिजेक्शन आ सकते हैं, बट स्टिल हम चांस लेके देखते हैं और देखते हैं कि क्या गूगल इस चीज को एनालाइज करता है और उसके उसकी वजह से रिजेक्शन देता है। अगर नहीं करता है तो भी हमारे लिए एक बेंचमार्क होगा, हम अप्रूवल लेंगे। अगर करता है तो हमें एक लेसन मिलेगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए। वो इसलिए मैं करने जा रहा हूँ, पता होने के बावजूद भी एक गलती में जानबूझ के कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक चीज में क्लियरली बता पाऊं, आप लोगों को क्लियरली आप उस चीज को लर्न कर पाए, सीख पाए कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने कोई भी कैटेगरी, मतलब हमारी सिर्फ दो कैटेगरी के अंदर आर्टिकल्स हैं, बट हमारी देखिए यहाँ पे बाकी ट्रेवल के अंदर आर्टिकल है, हमारा फूड के अंदर नहीं है, फाइनेंस के अंदर नहीं है और स्पोर्ट के अंदर नहीं है। ये हमारी ब्लैंक कैटेगरीज हैं जिनके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं, आप देख सकते हैं 000 आर्टिकल है। तो ये जो हमारी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज की वजह से हमें 1% रिजेक्शन आ सकते हैं और वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, मैंने आपसे कुछ भी हिडन नहीं रखा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको एडसेंस अप्लाई करने से पहले चेक करनी है, नोट करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीजें गाइड की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं साइट किट के थ्रू ही अपनी साइट को कनेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो हम सीधा साइन इन करते हैं साइट किट के अंदर। साइट किट के अंदर साइन करने के लिए हम जिस ईमेल आईडी पे हमारा एडसेंस लेना चाहते हैं उसी ईमेल आईडी से इसको हम कनेक्ट करते हैं और उसको एक्सेस देते हैं। तो हमने यहाँ पे सेम ईमेल आईडी के साथ इसको कनेक्ट किया है और सीधा हम इसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं और गूगल यहाँ पे अपना कोड इन्फोर्स करेगा और यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो हमने सीधा यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ से आप इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मैंने इसको अलाउ कर दिया है, तो जो भी कंडीशंस गूगल ने हमें बोली हमने इसको अलाउ कर दिया और यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सर्च कंसोल का सेटअप जैसे हमने पहले दिखाया तो वो सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हम सीधा अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं और मैंने यहाँ से साइट कनेक्ट कर दी है अपनी और मेरी साइट यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। और भाई साइट पे आप देख सकते हो कि साइट पे इतने क्लिक्स इतने इंप्रेशन आ चुके हैं क्योंकि हमने जैसे बताया ये हमारे कीवर्ड्स हैं कुछ जिनके ऊपर ट्रैफिक आया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमारा साइट किट के साथ एडसेंस का जो कनेक्शन था वो अब हम यहाँ पे करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा एडसेंस की वेबसाइट पे जाना है और रजिस्टर करना है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको साइन अप प्रोसेस करना है जिसमें आपकी ईमेल आईडी, नेम और बाकी चीज़ें एड्रेस डाल के आप इसको साइन अप करेंगे। जैसे आपका साइन अप हो जाता है, क्योंकि इस पर हमारा ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो हम क्या करेंगे सेम एडसेंस अकाउंट के अंदर ही इस साइट को ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सीधा हम यहाँ से गूगल एडसेंस में जाते हैं, हम साइट के ऊपर जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ अपना अकाउंट बना लिया है और यहाँ पे हम अपना न्यू साइट ऐड करेंगे। न्यू साइट ऐड करने के लिए हमें अपना साइट का एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना साइट का एड्रेस देते हैं और इसको हम सेव करते हैं। तो गूगल यहाँ पे क्या करेगा, गूगल यहाँ पे वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के लिए गूगल ने हमें क्या बोला है कि जो आपका हेडर है वेबसाइट का, आपके हेडर में जाके आप ये आप कोड है जो कोड को प्लेस करिए और ये कोड आपको हेडर में जाके अभी प्लेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एडसेंस कोड स्निफिट हमें इसमें ऐड करना है। तो इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी। यह दूसरा एक तरीका और है इसका, अगर आप उसके थ्रू करना चाहते हो तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सीधा गूगल एडसेंस को यहीं से कनेक्ट करते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है। और यहाँ से हम गूगल एडसेंस को कनेक्ट करके अलाउ करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हम जैसे हम कंटिन्यू करेंगे गूगल हमारी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा और जैसे हमारी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी तो इसमें हमें अब क्या बेनिफिट होने वाला है, जैसे हमारी साइट यहाँ पर आ जाती है तो अभी हमने क्या किया, सीधा हमारी साइट पे हमें कोड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैन्युअली। जो कोड हमें डालना था वो कोड हमें यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमारा क्या हुआ है कि सीधी हमारी साइट अब वेरिफिकेशन के लिए चली गई है, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गूगल यहाँ से अभी भी ओनरशिप वेरीफाई नहीं कर रहा है, बट अगर आप बाहर से देखेंगे तो बाहर से इसने गूगल ने क्या किया है, हमारी साइट को सीधा रिव्यू के लिए डाल दिया है और हमारी साइट रिव्यू के लिए चली गई है। मैनुअल हमें कोड ऐड करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोड पहले ही डाल दिए। थोड़ी देर में अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारी साइट यहाँ पे ओनरशिप वेरिफिकेशन हमारी डन हो चुकी है। तो थोड़ी देर में कई बार गूगल इसको अपडेट कर देता है, तो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगा। प्लस इसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड टेक्स्ट फाइल जो है
एड टेक्स्ट फाइल के लिए हमें इसको जो टेक्स्ट फाइल है जो हमारे रूट डायरेक्टरी में डलती है हमें उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा। और उसको डालने के लिए एड टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद हमें एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करनी है और टेक्स्ट फाइल जनरेट करके हमें जो हमारी रूट डायरेक्टरी है हमें रूट डायरेक्टरी में इसको ऐड करना है, वहाँ पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कॉपी कर लेंगे और इसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेंगे। तो इसको अभी हम सेव कर लेते हैं और हमारी रूट डायरेक्टरी में चलते हैं। और यहाँ से हम फाइल मैनेजर से अगर जाते हैं तो फाइल मैनेजर से हम WP फाइल मैनेजर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये हमारी WP एडमिन जो हमारा डायरेक्टरी है इसके अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कोई add.txt फाइल ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल तो नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो हमें यहाँ पे फाइल को डालना है और सिर्फ रखना है वो कोड डाल के। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमें ये फाइल प्लेस करनी है। ये हमारा पब्लिक फोल्डर है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वो फाइल अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, पब्लिक HTML डायरेक्टरी है प्लस हमारी WP एडमिन डायरेक्टरी है। तो हमें गूगल ने क्या बोला है आपने यहाँ से रीड करना है कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू गेट रेडी योर साइट शो एड कॉपी पेस्ट टेक्स्ट बिलो इनटू ईच एड टेक्स्ट फाइल अपलोड योर साइट रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी हमारी कौन सी बनती है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गलत बता रहा था, रूट डायरेक्टरी हमारी पब्लिक HTML बनती है। तो हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल पेस्ट करनी है। तो हमें ये फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो यहाँ से हम न्यू फाइल ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, न्यू फोल्डर आ गया है, न्यू फाइल आ गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम प्लेन टेक्स्ट फाइल लेंगे, इसको हम ऐड, हमें क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है कि adds.txt फाइल हमें इसको बनाना है। तो हमें इसको रीनेम करना है, एडिट फाइल। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमने कॉपी किया है उसको हम पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। ये हमारी सेव हो गई है फाइल, ठीक है। और इसको अभी हम रीनेम भी करेंगे। तो इसको रीनेम करने के लिए हमें ये हमारी फाइल है जो हमने यहाँ रखी है और इसको अभी हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन देखना है कि रीनेम का ऑप्शन ये कहाँ से देता है। तो इसको एडिट करने के लिए हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है और इसको रीनेम करना है adds.txt। हमारी ये फाइल बन गई है, इसके अंदर हमने अपना कोड भी डाल दिया, ये हमारा कोड है। और इसको अभी हमने क्या करना है, एडसेंस को बताना है कि जी हमने ये फाइल वहाँ रख दी है और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी देर में अपडेट हो जाएगी और जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो गूगल को पता लग जाएगा कि हाँ हमने फाइल रख दी है। तो उसके बाद गूगल इसको वेरीफाई कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, भले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एरर आ रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार गूगल थोड़ा सा टाइम ले लेता है इसको, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेके रिफ़्रेश होती है। देखिए हम जैसे ईट फ्रेश का था, ईट फ्रेश की अभी तक भी वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो आप ये चीज़ें आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ईट फ्रेश का हमारा डोमेन पे लाइव एड्स चल रही हैं बट अभी तक इसने एड टेक्स्ट को वेरीफाई नहीं किया है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमारे को अब वेट करना है। हमारी जो वेबसाइट है वो रिक्वायर रिव्यू में चली गई है, तो जैसे ही हमारी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी तो हमें, या रिजेक्ट होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी साइट अप्रूव हो चुकी है या नहीं हुई है। तो दोस्तों जैसे कि आप चेक कर सकते हो अभी कोड इम्प्लीमेंट हो गया है और यहाँ पे साइट वेरीफाई हो गई है, ओनरशिप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद हम उसको क्लोज करके यहाँ पे भी दिखा देते हैं, गेटिंग रेडी का भी ऑप्शन हमें दिखने लग गया है। तो गूगल के पास रिक्वेस्ट चली गई है, अब हम इसको वेट करेंगे। तो भाई ये तो जो प्रोसीजर था वो था कि हमें एडसेंस अप्लाई कैसे करना है। अभी हमारा एडसेंस अप्लाई हो चुका है और एडसेंस अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ साइट किट से कनेक्ट करना है। जैसे ही हमारी साइट साइट किट से कनेक्ट हो जाती है तो हमें एड
एड्स डॉट टेक्स्ट फाइल को हमारी रूट डायरेक्टरी में रखना है। रूट डायरेक्टरी में रखने के बाद हमें यहाँ से वेरीफाई करना है। जैसे ही हमारी साइट वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद गूगल इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपको क्या होगा कि गूगल आपके जितने भी डेटा है साइट का उसको क्रॉल करेगा, रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद आपको रिस्पॉन्स देगा। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों में टाइम लग जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हफ्ता भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। आपकी साइट के ऊपर डेटा कितना है सारा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस गूगल के पास कितनी लंबी क्यू है, डेली लाखों रिक्वेस्ट जाती है गूगल के पास अप्रूवल के लिए, तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक महीना लग जाता है, उसके बाद रिजेक्शन आ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो डेटा होता है गूगल उसको प्रॉपरली क्रॉल नहीं कर सकता, प्रॉपरली गूगल का बॉट जो है उसको आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से गूगल को एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो रिजेक्शन की रहती है। तो जितना आपका साइट स्ट्रक्चर इजी रहेगा, रीडेबल रहेगा, उतनी जल्दी आपको अप्रूवल आने के चांसेस रहेंगे। तो भाई ये था प्रोसीजर, जैसे जो कि आपने देखा कि हमने क्लियरली बताया कि कैसे हमें एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपको वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और रिस्पॉन्स मैंने जैसे बताया कि रिस्पॉन्स आपका डाउन जाता जा रहा है, तो आपको भाई डाउन नहीं करना है, वो एक्साइटमेंट बना के रखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हमें जो मेजर प्लगइन है वेब स्टोरी के लिए वो कौन कौन से प्लगइन है, हमारा गूगल का जो प्लगइन है वेब स्टोरी का वो हमें इंस्टॉल करना है, कॉन्फिगर करना है, प्लस एम्प प्लगइन जो है वो हमें करना है। तो दोनों चीजें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रही है जो कि आपकी है कीवर्ड रिसर्च की वेब स्टोरी के लिए। तो बने रहे हमारे पूरे कोर्स में थ्रू आउट, और हम आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में भी इसका हम सर्च कंसोल का और एनालिटिक का डेटा भी दिखाएंगे, जो कि हमने लाइव पे आपको सब कुछ कॉन्फिगर करके दिखाया कि हमें कैसा ट्रैफिक मिला, क्या रिस्पांस मिला। तो सारी चीज़ें हम थ्रू आउट आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए वो आपको हेल्प करेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं जी हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ रहा, हमारे बूस्ट नहीं हो रहा, हमारे डिस्कवर हो नहीं हो रहा, तो सब कुछ होगा भाई, पेशेंस रखना है। फेलियर के आगे सक्सेस है, फेलियर के आगे और कुछ नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर फेल होते हैं तो दोबारा खड़े होंगे, दोबारा करेंगे। तो भाई इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो भाई, मस्त रहो, खाते पीते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या मैसेज डाल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ मैं सबके मैसेज के रिप्लाई कर पा रहा हूँ, और किसी का मैसेज स्किप कर दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। ध्यान रखो अपना, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई।